हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पराग कोश का परिवर्धन, यानी कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, मैंने आपके सामने एक तरुण पराग कोश का अनुप्रस्थ कार्ड बना रखा है, यानी कि एक टीएस सेक्शन बना रखा है मैंने यंग एंथर का। यदि आप इसको देखेंगे तो ये जो प्रारंभ के अंदर जो पराग कोश था वो कैसा था, एक अंडाकार और गोलाकार रचना थी, है ना। मतलब शुरू से जैसे कि आपको पराग कोश चित्रों के अंदर दिखता है वैसा नहीं होता है। बेसिकली प्रारंभ में जो पराग कोश है वो कैसी थी, एक अंडाकार या गोलाकार रचना होती है, जो किससे निर्मित होती है, विभज्योतक कोशिकाओं से निर्मित होती है और इसको चारों तरफ से घेरे हुए एपिडर्मिस या अधिचर्म पाई जाती है। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये पराग कोश का एक अनुप्रस्थ काट है, प्रारंभिक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें कि अंदर की ओर डिविजिबल सेल्स पाई जा रही है, जिनका की नाम है मेरिस्टमेटिक सेल्स, और इनको चारों तरफ से घेरे हुए कौन है, एपिडर्मिस क्या होती है, पाई जाती है। ओके, नाउ सबसे पहली चीज जो कि पराग कोश के परिवर्धन में मध्य भाग में विकसित होती है वो क्या चीज है, वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि संवहन ऊतक है। ओके, तो वेरी फर्स्ट बीच में सेंटर में जो चीज विकसित होती है वो क्या चीज है, संवहन ऊतक है। ठीक है, अब पराग कोश के परिवर्धन को पढ़ने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि पराग कोश का परिवर्धन किस प्रकार का होता है। तो आवृत बीजी पादपों के अंदर जितने भी एडवांस्ड आवृत बीजी पादप है उन सब के अंदर पराग कोश का जो परिवर्धन होता है वो यू स्पोरिंजिएट टाइप का होता है। अब यू स्पोरिंजिएट का मतलब क्या होता है, मतलब कि पराग कोश का परिवर्धन एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल से हुआ है, एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल से हुआ है। आर्किस्पोरियल सेल को हम प्रपशु कोशिका भी कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ ही देर के अंदर यहां पर बताऊंगा कि आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है और ये कैसे बनती है। आपको ये ध्यान रखना है कि एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरिंजिएट होता है, यानी कि पराग कोश का परिवर्धन ग्रुप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल से होता है, या मैं यूं कह सकता हूं एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल से होता है। ठीक है, अब आर्किस्पोरियल सेल कैसे बनती है, तो यूं समझें, इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, अच्छा आपको यह भी बता दूं कि पराग कोश जैसे जैसे डेवलप होता है तो शुरुआत में तो वो ओवल या फिर एक गोलाकार रचना थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर या फोर साइडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, अर्थात चार कोने बन जाते हैं। ठीक है ना, पराग कोश का आप किसी भी किताब के अंदर डायग्राम देखोगे तो आपको पराग कोश के अंदर चार कॉर्नर्स आपको दिखाई देंगे। तभी तो कहते हैं कि पराग कोश कैसा दिखाई देता है, टेट्रागोनल आपको नजर आता है। ठीक है, तो अब चार कॉर्नर बन जाते हैं, मान लो कि ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। तो क्या होता है कि जैसे ही परिवर्तन शुरू होता है तो शीघ्र ही अधिचर्म के नीचे स्थित, आपको मैं बता दूं अधिचर्म के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है। ठीक है, तो अधिचर्म के नीचे स्थित ये देख सकते हो, ये क्या है, अधिचर्म, अधिचर्म के नीचे, इस कोने पे देखो अधिचर्म के नीचे, इस कोने पर भी अधिचर्म के नीचे और इस कोने के ऊपर भी अधिचर्म के नीचे, चारों कोनों पर हाइपोडर्मल क्षेत्र में। हाइपोडर्मल क्षेत्र क्या होता है, एपिडर्मल क्षेत्र के नीचे, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो एपिडर्मिस के नीचे का जो ये वाला क्षेत्र है, एपिडर्मिस के नीचे का क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मल क्षेत्र, राइट। उसमें क्या होता है, कोशिकाओं का समूह, कुछ कोशिकाओं का समूह, यहां पर इस जगह पर कुछ कोशिकाओं का समूह आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इन कोशिकाओं में स्पष्ट क्या पाया जाता है, केंद्रक और घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, एपिडर्मिस के नीचे चारों कॉर्नर्स पर कुछ कोशिकाओं का जो समूह होता है हाइपोडर्मल रीजन में, राइट, वो आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उनमें स्पष्ट केंद्रक और घना कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइट। तो ये जो कोशिकाओं का जो समूह है ये दूसरी अन्य कोशिकाओं के समूह से अलग नजर आता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक है और डेंस क्या है, साइटोप्लाज्म है।
ऐसी कोशिकाओं का समूह जो हाइपोडर्मल क्षेत्र में एपिडर्मिस के नीचे चारों कॉर्नर्स पर जो विकसित हुआ है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कह देते हैं। ये देख सकते हैं आर्किस्पोरियल सेल कह देते हैं। इस आर्किस्पोरियल सेल को हिंदी के अंदर प्रपशु कोशिका भी कहते हैं। और यही सेल अभी आप देखोगे कि परागकोश के परिवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपूर्ण जो परागकोश होगा, यानी कि केवल अधिचर्म को छोड़ दो, एपिडर्मिस को छोड़कर, क्योंकि एपिडर्मिस का निर्माण तो शुरू से ही हो चुका था, एपिडर्मिस को छोड़कर परागकोश की संपूर्ण संरचना का जो निर्माण है वो किस कोशिका से होगा, इस आर्किस्पोरियल सेल से होगा। आर यू गेटिंग? अब क्या होता है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, अब ये आर्किस्पोरियल सेल शीघ्र ही पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। कौन सा? परिणत विभाजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब क्वेश्चन उठता है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, तो परिणत विभाजन क्या होता है, तो ऐसा विभाजन जो बिल्कुल कोशिका की सतह के पैरेलल समानांतर होता है, ऐसा डिवीजन जो कोशिका की सतह के समानांतर हो, पैरेलल हो, ऐसे डिवीजन को पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आर्किस्पोरियल सेल अब पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, और इस आर्किस्पोरियल सेल के डिवीजन करने से दो सेल्स बनेगी। एक का नाम है प्राइमरी पैरिटल सेल, इसको शॉर्ट में मैं यहां पर यूज करूंगा टर्म पीपीसी, प्राइमरी पैरिटल सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और ये कौन सी, बाहर की तरफ पाई जा रही है, यानी कि बाहर की तरफ मतलब कहां पर, अधिचर्म की ओर, और अंदर भीतर की ओर, केंद्र की ओर जो दूसरी कोशिका पाई जा रही है, ये तो पहली हो गई, और जो दूसरी कोशिका भीतर की ओर, केंद्र की ओर जो पाई जा रही है, वो है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, शॉर्ट में मैं इसे पीएससी कहूंगा, हिंदी में इसको बोलूंगा प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल है वो परिणत विभाजन से विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी को हम बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैरिटल सेल, और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। अब ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये अधिचर्म को छोड़कर बाकी सब पूरे के पूरे परागकोश की क्या बना देगी, संरचना बना देगी। कैसे? तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या बनाएगी, प्राइमरी पैरिटल सेल क्या बनाएगी। तो प्राइमरी पैरिटल सेल, अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, वो परिणत विभाजन भी करेगी अब, और अपनत विभाजन भी करेगी। मैं कहना चाहता हूं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन भी करेगी और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी करेगी। अपनत विभाजन क्या होता है, ऐसा डिवीजन जो कोशिका की सतह के समकोण पर होता है, अ डिवीजन विच अकर्स परपेंडिकुलर टू द सेल सरफेस, वो तो होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। और जो कोशिका की सतह के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका राइट क्या करेगी, आप पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन, परिणत और अपनत विभाजन दोनों करेगी, और उससे भित्तीय परतें बनाएगी। क्या बनाएगी, पैरिटल लेयर्स, वॉल लेयर्स। ओके, वैसे तो एंथर के चारों तरफ चार वॉल लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्किस्पोरियल सेल से एपिडर्मिस का तो निर्माण होता ही नहीं है। अब जो बची हुई तीन परतें हैं, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम, और कौन सी, मिडिल लेयर्स और टेपिटम, इन तीनों परतों का जो निर्माण है वो तो किया है किसने, प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने कर दिया है। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका से भित्तीय परतें बन गई, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपिटम। और आप जानते हो कि जब हम लोग क्लास में परागकोश की संरचना पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, वॉल लेयर्स होती है। तो इसने तो वॉल लेयर्स बना दी, अब बची कौन सी कोशिका, तो दूसरी वाली कोशिका बची, तो इसने तो भित्तीय परतें बना दी, अब इसका क्या रोल है। तो ये कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल यानी कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल या प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, अब ये क्या करेगी, इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन आप जानते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। तो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका से बहुत सारी स्पोरोजीनियस सेल्स, बीजाणुजनक कोशिकाएं, या हम कह सकते हैं बीजाणुजनक उत्तक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नेचुरली कि बीजाणुजनक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, बीजाणुजनक उत्तक बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होगा,
तो बीजाणु जनक उत्तक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो अंदर माइक्रोस्पोरिंजियम है, जो बीजाणु धानी है, उसके अंदर बीजाणु जनक उत्तक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब ये जो बीजाणु जनक उत्तक है वो अनेक बीजाणु जनक कोशिकाओं से तो बना है ना, तो बीजाणु जनक कोशिकाएं, बीजाणु जनक उत्तक की बीजाणु जनक कोशिकाएं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं स्पोरोजिनियस टिश्यू की जो स्पोरोजिनियस सेल्स है वो अब क्या करेगी, उसकी हर एक सेल, इस उत्तक की हर एक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल के जैसे व्यवहार करती है। मैं फिर से बता दूं, इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल पीएमसी पोलन मदर सेल की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये द्विगुणित होती है। और आप देखते हो कि जब लघु बीजाणु जनन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, तो हर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होती है और चार लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो कि मैं एक पूरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन के ऊपर बनाऊंगा, ताकि आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेहतर रूप से आ जाए। तो ये जो आज का वीडियो था ये प्योरली बेस्ड था पराकोश का परिवर्धन। ओके, हम लोग इस चैप्टर के और भी वीडियोस लेकर आएंगे, सो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।